लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। लोकतंत्र में अगर किसी को गलतफहमी है तो जनता के बीच आए, चुनाव जीते, विधायक सांसद बने, नए नए अपने कानून बनाए। जिस कृषि कानूनों के लिए बाबा टिके 30 साल लड़ते रहे, आप हमेशा ख्याल उठा के देखिए, अगर 100 मेमोरेंडम बाबा टिकैत के गए होंगे तो 100 के 100 मेमोरेंडम में कहा था कि किसान को अपनी उपज को कहीं भी बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। यह मेरे कहना नहीं है, ये बाबा टिकैत के आंदोलनों की पहली शर्त थी। और आज जो हालात हैं, ये कहा जाता है मंचों से कुछ राजनीतिक दल के जो किसान आंदोलन में फोटो खिंचाएंगे उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसे नहीं चल सकता देश में, कहीं नहीं चल सकता। कानूनी कार्रवाई होगी, होनी चाहिए। देश की जनता का विचार है, किसान की आड़ में। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे किसान भाई जो आंदोलन में है, कि कल के बाद घर वापस आ जाए। अब ये किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन अपने रहा है। सरकार पहले भी मांग मानने के लिए तैयार थी, सरकार आज भी किसान हित में सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो भी किसान के लिए बेहतर होगा वो किया जाएगा। और जब बातचीत जारी थी, जब सरकार किसानों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो बातचीत से वापस हटा गया। अभी आंदोलन किसानों का नहीं है, इसको मूछों की लड़ाई बना दिया गया। अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं, लाठी डंडों और गोलियों की बात होती है। ऐसे नहीं चल सकता। मेरा निवेदन है देश की जनता से, मुजफ्फरनगर की जनता से, अब समय आ चुका है इस बात को सभी समझने का प्रयास करें कि क्या यह आंदोलन किसानों का है, क्या यह आंदोलन किसान हित में है। यह सरकार किसान हित की सरकार है, आपके द्वारा चुनी गई सरकार है। यहां जो विधायक सांसद बैठे हुए आपके द्वारा बैठाए गए हैं, ये जो भी निर्णय लेंगे वो किसान हित में होगा। और यह आवाज मुजफ्फरनगर से किसानों की आवाज शुरू होती है और पूरे देश में आवाज मुजफ्फरनगर से जानी चाहिए कि अब सभी किसान जो देश हित की, राष्ट्र हित की बात सोचते हैं, वो घर वापस आए। सरकार किसान हित में सब मांगे मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो वापस आए। सरकार ने पहले भी किया, आज भी किया है। जिस तरह का नंगा नाच तांडव कल दिल्ली में किया गया है, देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन की भूमि रहा है। इसी मुजफ्फरनगर ने चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े किसान नेता के आंदोलन देखे हैं। इसी मुजफ्फरनगर से देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लंबे लंबे आंदोलन यहां पर हुए हैं। चाहे भोपा कांड हो, चाहे मेरठ कमिश्नरी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली वोट क्लब का आंदोलन हो, जितने बड़े आंदोलन आज किसान के चल रहे हैं उससे बहुत बड़े बड़े आंदोलन बाबा टिकैत के नेतृत्व में हुए। कभी किसान के ऊपर उंगली नहीं उठी, सब शांतिपूर्वक आंदोलन हुए। कभी किसान के ऊपर उंगली उठाने का किसी को मौका नहीं मिला। पूरे देश की भावना हमेशा किसान के साथ रही। आज कुछ राजनीतिक दल जिनका जनता के द्वारा वजूद समाप्त कर दिया गया है, राजनीतिक पार्टियों के बारे में बोला है जी, क्या लगता है? वो राजनीतिक पार्टियां जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है, जिनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं, वो किसानों को भड़काने का कार्य कर रही है। उनके द्वारा कहा जाता है कि टिकट उसको मिलेगा जो किसान आंदोलन में फोटो दिखाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से इस आंदोलन में गए हैं। आप सबको पता है कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये किसानों का नहीं, पार्टियों का आंदोलन हो चुका है। क्या जमीन तलाशने की कोशिश है उनकी? निश्चित रूप से, जो जिन्हें जनता रिजेक्ट कर चुकी है। आपने मन से बयान दिया है कि जितने भी बिल है, मांगे हैं किसानों की, वो वापिस ली जाएंगी। देखिए, मैं यानी जो पहले बात हुई थी, सरकार 1.5 साल तक के लिए पहले ही कह दिया था कि बिल सस्पेंड रहेंगे, उसके बाद होंगे। मांगे मानी जा चुकी, जब 1.5 साल का कमेटी बनेगी, इस के क्या मांग रही। उसके अलावा जो और मांगे थी, चाहे ट्रैक्टर की मांग हो, 10 साल पुराने और बात हो, सरकार उन मांगों पर विचार करने के लिए तैयार थी। लेकिन शायद कुछ किसान नेता भी नहीं चाहते कि इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। मैं तो अपील करता हूँ किसानों से वापस आए। भैया, किसानों का आंदोलन, मुझे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। सब जानते हैं कौन लाल किले पर थे, कौन आईटीओ पर थे, किसने दिल्ली पुलिस को कहा कि हम रैली शांतिपूर्ण निकालेंगे। जब उनके हाथ में नहीं है तो क्यों बुलाते हैं दिल्ली में? आते किसी और के लोग हैं, बुलाता कोई और है। मंत्री जी, पंजाब के गायक हैं सिद्धू, वो सन्नी देओल के भाई हैं, उन्होंने पहले वीडियो, कोई सन्नी देओल का भाई नहीं है। सन्नी देओल पहले 2 महीने पहले कह चुके, मेरे चुनाव प्रचार में था
सन्नी देओल स्पष्ट कर चुके हैं कि उसके बाद मेरा कोई संबंध नहीं उससे। सन्नी देओल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, फोटो मेरे साथ, मेरे साथ हजारों लोग यहाँ फोटो खिंचवाएंगे, कल आप उससे कहेंगे नहीं पूछ सकते। कार्रवाई के बारे में बताएंगे कुछ, क्या कोई कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार? अब ये बात जनता की अदालत में है। निश्चित रूप से जो दिल्ली में कल तांडव हुआ है, ये किसके बेटे हैं जो पुलिस वालों को पिटाई हुई, कहीं से पुलिस वाले घायल है? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा में किसानों के बेटे हैं। कार्रवाई तो दिल्ली पुलिस करेगी, निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस के साथ हुआ वही कार्रवाई करेगी। अगर किसी ने लाल किले पर देश का अपमान किया है, अगर किसी ने आईटीओ पे ऐसी हरकतें की हैं जो हमने देखा है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री आप इसी वेस्ट यूपी से हैं, एक सब बड़ा वायरल हो रहा है, बक्कल उतार देंगे वो, क्या शब्द है? मैं पहले ही कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि लोकतंत्र में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। ये शब्द किसानों को कमजोर करेंगे। सरकार किसानों की बहुत सी मांगे, इस सरकार में बहुत से किसानों के कम हुए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कुछ लोग, मतलब क्या होता है उसका, कुछ दिल्ली के कुछ लोगों को समझ में नहीं आया वो बक्कल तारना क्या होता है। देखिए ऐसे शब्द आपके लिए मीडिया में चलने के लिए दिए जाते हैं कि मीडिया में चलाए, ये किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को उकसाया जा रहा है, किसान वापस आए, किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये किस निजी लोगों का आंदोलन है जो निजी अपने स्वार्थ इस आंदोलन में तलाश रहे हैं। जैसा बयान उन्होंने दिया गया बक्कल उतार देंगे, उन्होंने करके दिखाया, पुलिस वालों को पीटा, लेकिन अब आप लोगों की आप सरकार की जिम्मेदारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। रुक जा, देखिए किसान कौम की आड़ में ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, किसान का चोला जो ऐसी हरकतें करते हैं उसे किसान कौम की आड़ में ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुलिस का डंडा किसान की तरफ आज तक नहीं उठा, पुलिस ही हमेशा पिटी है। किसान कौम की आड़ में ऐसे लोग इस तरह के काम ना करें, ये अपने वजूद के साथ काम करें, किसान कौम की आड़ में काम। अच्छा एक लास्ट सवाल, जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था और कुछ लोग ऐसे भी वहाँ आंदोलन में शामिल रहे हैं जो दंगे के मुकदमे उन पर यहाँ भी दर्ज हुए हैं, आरोप लगे दंगे कराने के, और वो वहाँ भी शामिल है। ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि किसान, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से दल ऐसे हैं कि जिन्होंने किसान यहाँ मुजफ्फरनगर दंगों में भड़काने का काम किया था, सीए में काम किया, और जब जनता को आवश्यकता थी ये लोग भाग जाते हैं, सिर्फ चुनाव में लोग यहाँ दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद ये लोग कभी दिखाई नहीं देते। तो आपकी सरकारों ने कुछ ऐसे लोगों को पद भी बांट रखे हैं सरकारी, क्यों? मैं अगर किसी का व्यक्तिगत आप बात कहोगे तो हो सकता है, इतना बड़ा सिस्टम है, मुझे व्यक्तिगत पता लगेगा तो मैं अपनी बात निश्चित रूप से सरकार तक। धन्यवाद।